कि बाबा जी लेमन स्क्वैश किस तरीके से तैयार होता है, आप हमें मुकम्मल गाइड कर दें। छोटे वाले हमने एक को वजन पूरा करना है, इनको हमने पांच ये चीज ये मदद से छान के इसमें डाल देंगे हम, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। आज की रेसिपी ऑथेंटिक रेसिपी, कमाल की रेसिपी, स्पेशल रेसिपी। काफी अरसे से कॉल्स आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि बाबा जी लेमन स्क्वैश किस तरीके से तैयार होता है, किस नाश्ते तक वो महफूज रह सकता है, आप हमें मुकम्मल गाइड कर दें। आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। लेमन स्क्वैश तैयार करने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है वो तवज्जो से मेरे मुंह की तरफ करो कैमरे। आज की रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, जिन लोगों की डिमांड थी, फरमाइश थी, वो देख लें। चीनी चाहिए, लीमू चाहिए, ये बड़े मार्केट में मिल जाते हैं चार वाले बड़े साइज के, ये छोटे साइज के लीमू चाहिए। तबाशीर चाहिए, ये देखें इसको तबाशीर कहते हैं, तबाशीर चाहिए। हमें सोडियम बेंजोवेट चाहिए, ये देखें सोडियम बेंजोवेट इसको कहते हैं, ठीक हो गया, जो इसको महफूज रखता है। हमें नमक चाहिए, ये देखें ये नमक है लाहौरी नमक। इसके साथ हमें चाहिए टाटरी चाहिए, ये देखिए टाटरी है हमारे पास, ठीक हो गया। ये सब चीजें हमें चाहिए, उसके बाद ये तैयार होगा। अब ये किस तरीके से आप इसको इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से ये टेस्टफुल बनेगा, किस तरीके से खराब नहीं होगा, कौन सी चीज किस टाइम पे डालनी है, किस चीज का क्या फायदा है, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला जहन में रख लें। एक किलो चीनी का हम शीरा तैयार करेंगे, एक किलो चीनी के लिए एक पाव लीमू चाहिए हमें, बस ठीक हो गया। इसके साथ एक पैन ले लिया। अब ये बड़े वाले लीमू भी हैं, छोटे वाले भी हैं, आपके पास जौन से लीमू भी हैं उन उसी लीमू का आप तैयार कर सकते हैं। ये बड़े वाले अचार में इस्तेमाल होते हैं, इनके अंदर रस कम होता है, ये बड़े साइज के होते हैं। छोटे वाले लेना चाहे छोटे वाले ले लें। हमने टोटल कुछ लीमू इसमें से ले लेते हैं, बड़े वाले कुछ छोटे वाले। हमने एक पाव वजन पूरा करना है और इसके अंदर हमने क्या करना है, पानी को डाल देना है। इनको हमने 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बॉयल करने से ये नरम हो जाएंगे, हमें रस ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे हमने लीमू चढ़ा दिए, इसके साथ का हमने एक पैन ले लिया, यहाँ पे रख दिया। एक किलो चीनी शामिल कर देंगे शीरा तैयार करने के लिए, बात समझ आ रही है। एक किलो चीनी में एक पाव पानी जाएगा, ये बात आपके जहन में रहे। एक किलो चीनी और ये साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक पाव पानी। ये एक पाव पानी शामिल कर दिया, इसके अंदर डाल देंगे, साथ वाले चूल्हे पे इसको चढ़ा देंगे। इसको हम पहले सबसे पहले तो इसको मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करेंगे, चीनी मेल्ट हो जाएगी, फिर आपको मिलूंगा। तब तक ये लीमू भी बॉयल हो जाएंगे। भी किस थिकनेस में हमने अपना शीरा बनाना है, ज्यादा हार्ड करना है नहीं करना, मुकम्मल गाइड करूंगा। 5 से 6 मिनट के बाद मिलते हैं। लीमू अच्छे तरीके से बॉयल हो गए, 6 मिनट बॉयल किया, फ्लेम को बंद कर देंगे, पानी को रिमूव कर देंगे, फिर आपसे को बताएंगे कि हम इनको किस तरीके से निचोड़ेंगे, इनका रस निकालेंगे। यहाँ पे हमारा शीरा तैयार हो रहा है, चीनी जो है ना वो मेल्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर मुंह की तरफ करो कैमरे। अब चीनी के अंदर जब इसको हम पकाते हैं, शीरा बनाते हैं, जब इसका स्क्वैश तैयार करते हैं, इसके ऊपर मैल आ जाती है। अब मैल को दूर करने के लिए जो लोग कमर्शियल लेवल पे बड़े पैमाने पे इसका कारोबार करना चाहते हैं, वो रंग काट डालेंगे इस टाइम पे आके, जब चीनी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, ठीक हो गया। मैं दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं रंग काट नहीं डाल रहा, दूध भी डाल सकते हैं आप। ये 2 से 3 घूंट दूध के डाल रहा हूँ ताकि वो जो इसके ऊपर मैल वगैरह होगी चीनी के, वो ऊपर आ जाएगी, हम उतार लेंगे। और जो बड़े पैमाने पे बोतलें भर के डिस्पोजेबल कारोबार करेंगे, वो इसके अंदर रंग काट का इस्तेमाल करेंगे। इस टाइम रंग काट 1/2 टीस्पून डालेंगे, ठीक हो गया। ये हमने दूध डाल के इसको थोड़ा सा पकाया, ये ऊपर देखें इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से मैल उतारते रहें, जो चीनी के ऊपर मैल होती है ये देखें इस तरीके से आ जाएगी, ताकि हमें जो शीरा है वो क्लियर शीरा चाहिए हमें, ठीक हो गया, मैल वाला शीरा नहीं चाहिए। इस तरीके से हम उतार लेंगे इसको अच्छे तरीके से। जब आप रंग काट भी इसीलिए होता है कि वो क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं चीनी को, और शाइनिंग लेके आ जाता है, गल समझ आ रही है। बस आप जब आप रंग काट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो जलेबी में इस्तेमाल किया जाता है, जलेबी वाले इस्तेमाल करते हैं, मिठाई वाले इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको 3 से 4 मिनट पकाया मीडियम फ्लेम पे,
चीनी का शीरा हमारा साफ हो गया, ठीक हो गया। ये जो ऊपर मैल वगैरह है ये हमने निकाल ले, फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको साइड पे कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसकी हमने कोई तार शार नहीं बनाई, चीनी को मेल्ट करके 3 से 4 मिनट दूध डाल के जस्ट इसकी मैल साफ करी और इसको हटा दिया, ठीक हो गया, बंद कर दिया। ये देखें ये इस तरीके से आ गया, ये देखें। एक किलो चीनी के फार्मूले के लिए एक पॉलीमोस स्क्वैश तैयार करने के लिए जो लेमन जूस, लेमन का जूस जो महफूज होता है उसका, उसकी अलग रेसिपी है, वो एक अलग प्रोसेस है। लेमन जूस अलग चीज है, लेमन स्क्वैश अलग चीज है। लेमन जूस किस तरीके से स्टॉक कर सकते हैं उसकी रेसिपी बहुत जल्द आपसे इंशाल्लाह शेयर की जाएगी मेरे भाइयों। ये स्क्वैश बना रहा हूं मैं, एक पाव नींबू, ये अच्छे से नरम हो गए, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये देखें, ए देखो, ऐखे, ये देखें, देखें बाबे दे कमालात, देखो ये कितने इसके अंदर रस इस तरह नरम हो गए, गल समझ आई। अच्छा जी, वो हाथों से ऐसे ऐसे कर लें, सारे लींबू ऐसे ऐसे कर लें, बाबा जो होया बाबे ने तो अपने तरीके नाल करना होया। इसको काटें इस तरीके से, देखें ये देखें, अगर लींबू निचोड़नी तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। ऐ देखो हैं, ऐ चस्के आ रहे हैं, ये देखें इस तरीके से। ये सब कुछ हमें, ये रेशे वगैरह ये साथ ही चाहिए, बाद में हम इनको निचोड़ लेंगे, कोई मसला नहीं। ये देखें इस तरीके से हैं, अर्क है इसके अंदर अर्क, ये इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हैं। अब एक लींबू छोटा आपको बता दूं, ये देखें इस तरीके से कर लें, लींबू निचोड़ने में रख लें इस तरीके से, इस तरीके से निचोड़ लें, ये देखें ठीक हो गया। ये मैं एक पाव लींबू का इस तरीके से रस निकाल लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। एक पाव लींबू को बॉयल करके जब हमने उसका रस निकाला, ऐ देखो ये बॉल भर गया, नरम हो जाता है लींबू, गल समझ आ रही है। अब जो लोग इसका कारोबार करना चाहते हैं वो लींबू के साथ ही इस पानी को पका पका के छिलकों का भी अर्क निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। मेरे वाल, मेरी गल समझ रहे हो, इधर मेरे वाल करो कैमरे, मेरी गल समझ रहे हो, हर चीज तरतीब से समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। इस टाइम पे आके हम इस तरह एक लींबू उठा लेंगे, कद्दूकश ले लेंगे, ये जो बारीक वाली साइड होती है, मोटे वाली नहीं, यहां से इसको कद्दूकश कर लेंगे, इसके छिलके हमें चाहिए थोड़े से इस तरीके से, ये देखें। इस तरीके से हम दो लींबू कद्दूकश कर लेंगे बस, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऊपर ऊपर से छिलका कद्दूकश करेंगे, दो लींबू हमने कद्दूकश कर लिए इस तरीके से, ये चीज हमें चाहिए ऊपर वाला छिलका इस तरीके से, और ये वाले दो लींबू हमने कद्दूकश किए थे, अंदर वाली साइड ये बच गई, ठीक हो गया। जगह थोड़ी होने की वजह से टेंशन ना लीजिएगा, इतने ही सेटिंग कर लेनी है, कुछ सामान बाबे ने इतने पीछे रखा हुआ है, गल समझ आ रही है। पिथो चौक 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 के इतने पाई जावांगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे, नहीं फ्लेम को बंद कर देंगे पहले, हैं ठीक हो। ये क्लिप काटना ना भी, मैं समझा रहा हूँ, ये यहाँ पे ला के इसको पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये शीरा ठंडा होने के बाद थोड़ा थोड़ा चिपा रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, बस तार बन रही है हल्की हल्की, हाफ तार, ठीक हो गया। आपको समझाने के लिए ताकि मेरे भाइयों आप समझ जाओ, फ्लेम को ऑन कर दूंगा, मीडियम से भी कम फ्लेम रहेगा। इस टाइम पे आके लेमन जूस जो हमने इस तरीके से तैयार किया है इसको स्ट्रेनर की मदद से छान के इसमें डाल देंगे हम, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। बीज वगैरह ऊपर रह जाएंगे, देखें कितना सारा अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो अर्क निकला है लींबू का, सिर्फ ये किस लिए निकला है, बॉयल करने की वजह से। ये ऊपर से गुद्दा वगैरह जो बीज चीजें हैं इसको साइड पे कर देंगे, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरीके से, सुभान अल्लाह है इस तरीके से। और साथ इसके अंदर हम शामिल करेंगे टाटरी, हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे टाटरी, लाहौरी नमक 1/4 टीस्पून, ठीक हो गया, लाहौरी नमक है ये, शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे सोडियम बेंजोवेट, इसको महफूज करने के लिए होता है, 4-5 साल भी ख़राब नहीं होगा सोडियम बेंजोवेट, ठीक हो गया। जहाँ से फूड के केमिकल मिलते हैं वहाँ से मिल जाता है ये 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे तबाशीर, ये देखें सोडियम बेंजोवेट चीज़ को ठीक रखता है, तबाशीर इंसान को ठीक रखता है, ये हमारी सेहत के लिए ठीक होता है। 4-5 साल बाद जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी तबीयत या मैदा ख़राब नहीं होगा। तबाशीर, ये एक चुटकी तबाशीर पिसा हुआ, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये जो हमने लींबू का इस तरीके से दो लींबू के छिलके उतारे थे ये इसमें शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है इस तरीके से। साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे सिरका, 1/2 टेबल स्पून सिरके का शामिल कर देंगे बस। साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 3 ड्रॉप एहतियात से, बस इतना सा 3 ड्रॉप शामिल किए, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, 5 से 4 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे।
हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट पकाया, इससे ज्यादा हमने नहीं पकाएंगे इसको। अब हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे, इस तरह का एक पैन ले लेंगे, स्टेनर की मदद से इसको छान लेंगे। ठीक हो गया, करोगे आप छानना चाहते हैं छान लें, नहीं छानना चाहते ना छाने, कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। इस तरीके से हम इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से, उते चुको और इसको कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं, इस्तेमाल का तरीका बताते हैं, तमाम मुकम्मल गाइड करते हैं। इस टाइम पे आके कंप्लीट ये ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद हमने इसको बोतलों में भरना है स्क्वैश को। इस तरीके से ये बन गया। एक बोतल जो मार्केट से मिलती है, भाई मेरे कैमरे इधर करना, एक बोतल जो मार्केट से मिलती है 800 ml, उसके अंदर स्क्वैश होता है 320 रुपए की, 300 रुपए की, मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ रेट से उसको मार्केट में मुतारफ करवा रही हैं। आप भी बना के इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, 800 ml की बोतल मार्केट से जो मिलती है। ठीक हो गया, इस तरीके से इसमें डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। इसके अंदर हल्का हल्का जो है ना वो भी हैं, जो छिलके हमने डाले थे लीमू के, वो हल्के हल्के वो भी नजर आ रहे हैं चस्के वास्ते। इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से। ठीक हो गया, इसको यहाँ साइड पे कर देंगे हम, आपको इस बोतल में भर के दिखाते हैं, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जिसने ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसी फार्मूले को वो डबल करता रहे, बन जाएगा। अब इसका शरबत तैयार करते हैं स्क्वैश का, ठंडा यख पानी है। सबसे पहले स्क्वैश डालेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, बहुत प्यारा इसका टेस्ट बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से अब इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे, ठंडा चिल पानी इस तरीके से इस तरीके से शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे, इसको भी अच्छे तरीके से हिला देंगे। ये हमारा स्क्वैश का शरबत तैयार हो चुका है, ये स्क्वैश तैयार हो चुका है। ठीक हो गया, फरत बख्श, ताजगी बख्श, कमाल का ये तैयार हुआ है, कमाल की इसकी खुशबू है, कमाल का इसका टेस्ट है। अगर आपको हमारी ये लेमन स्क्वैश की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। दुनिया में जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहां तक मुझे देखा जा रहा है, हमारी रेसिपियों को शेयर कर दिया करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।